रमजान ईद का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से निपटने पर जिला प्रशासन का आभार। सर्वधर्म संघ के अध्यक्ष मंजूर बेग ने प्रेस बयान में कहा कि जब से इंदौर शहर में कोरोना जैसी गंभीर महामारी के चलते इंदौर में मुस्लिम समाज के साथ ही अन्य समाज के त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से घर पर रहकर पूरे रामनवमी, महावीर जयंती, हनुमान जयंती, रमजान ईद भी मनाई गई। इंदौर जिला पुलिस प्रशासन के साथ ही राज्य शासन इंदौर के वरिष्ठ अधिकारियों की सूझबूझ के कारण त्योहार बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए गए। इससे सभी समाज में हर्ष की लहर है। ऐसी गंभीर समय में मुस्लिम क्षेत्रों में पुलिस के अधिकारियों ने बड़ा सहयोग करते हुए कोई भी स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की नहीं होने दी। समय समय पर लॉकडाउन का सख्ती से पालन भी पुलिस प्रशासन ने कराया। हम सभी इंदौरवासी जिला पुलिस प्रशासन का शासन का आभार व्यक्त करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि आगे भी गंभीर कोरोना महामारी के चलते जिला प्रशासन के आदेश का समय समय पर पालन करते रहेंगे और जो शासन की गाइडलाइन होगी उसका पूरा पालन किया जाएगा और शासन प्रशासन का सहयोग करते रहेंगे। आपका मंजूर बेग, अध्यक्ष सर्वधर्म संघ। आज मध्य प्रदेश सर्वधर्म के माध्यम से इंदौर जिला प्रशासन और राज्य शासन के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि जब से इंदौर में कोरोना की महामारी जारी हुई, गंभीर बीमारी थी, पूरे इंदौर महाजय की नगर के वासियों ने लॉकडाउन का पालन किया, जिला पुलिस प्रशासन ने भी लॉकडाउन का पालन कराया, उसके साथ जनता ने भी साथ दिया। हम इसलिए मध्य प्रदेश सर्वधर्म संघ के माध्यम से जिला प्रशासन और राज्य शासन का आभार व्यक्त करते हैं। सभी त्यौहार, चाहे वो रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, महावीर जयंती हो और रमजान, विशेष करके रमजान में इंदौर जिला पुलिस प्रशासन ने बड़ी गंभीरता से कोरोना का पालन भी कराया और कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं बननी थी जहाँ लॉ एंड ऑर्डर हो, ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई। सभी ने सभी प्रकार की छूट उनको जो देना थी वो मिली भी और शासन और प्रशासन ने जो सहयोग जनता को दिया, इसके लिए हम सर्वधर्म संघ के माध्यम से जिला प्रशासन और इंदौर के साथ ही राज्य शासन का भी हम आभार व्यक्त करते हैं।